अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई फिर कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो 2024 की शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम फिर अपने 2024 के पहले सफ़र की तरफ रवाना हो रहे हैं। और छोटा सा सफ़र है कराची से लेके हैदराबाद तक, और किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो वहाँ जाएंगे। वहाँ सबसे पहले जाके तो कुछ काम निपटाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह वहाँ के जो फूड हैं वो भी देखेंगे कि वहाँ पे कोई फूड क्या क्या आइटम है, वहाँ पर क्या क्या खाने के लिए फेमस है वो रिवील करेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ है। तो अभी हम मौजूद हैं सदर बस स्टॉप पे और यहाँ से देखते हैं कि इस वक्त क्या कहाँ से गाड़ी मिलती है ना। और इस वक्त तो सबसे पहले तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई एटीएम, मीज़ान बैंक का एटीएम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और वरना किसी ना किसी एटीएम पे इंशाल्लाह जाके कैश निकलवाना है। तो भाई मुफ्त में तो कोई भी नहीं लेके जाएगा ना। फाइनली अपनी शटल में बैठ चुके हैं और ये हमें लेके जाएगी यहाँ से सुराबगोड़, और फिर इंशाल्लाह हम हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जी तो हम पहुंच गए हैं हैदराबाद, और यहाँ पर जो है कपड़ा मार्केट है और चूड़ियों को बहुत बड़ी मार्केट कहलाती है यहाँ पर हैदराबाद को। यहाँ की जो है वो चूड़ियाँ जो है वो बहुत मशहूर है, और मेरे सामने जो है इस वक्त की सारी चूड़ियों की मार्केट है। तो आपको जो है मैं चूड़ियों की मार्केट भी दिखाता रहूँगा साथ साथ में। कराची के अंदर तो एटीएम ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पे जो मुझे एटीएम चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, और मीज़ान तो नहीं मिला, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा भी नहीं मिला था। तो अब हैदराबाद के अंदर देखें कोई एटीएम मिल जाए तो ये बिल्कुल कैशलेस चल रहे हैं इस वक्त, कोई मतलब कैश है ही नहीं इस वक्त जेब में, तो बगैर कैश के चल रहे हैं, कैश की ज़रूरत है। तो हैदराबाद के अंदर अभी यही दगो दो में चल रहे हैं कि कहीं से एटीएम नज़र आ जाए तो उधर से कैश करवा लें। और फाइनली मुझे नज़र तो आ गया मीज़ान बैंक, और मतलब वहाँ से कुछ कैश निकलवाएं। फाइनली भाई मीज़ान बैंक पहुंच गए, और फाइनली अब कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे। अभी पिन डालते हैं फिर उसके बाद। ये जो आवाज़ होती है ना, मज़े हैं इसके, पैसा ही पैसा। बस जो कैशलेस थे अब कैश के साथ हो गए। तो भाई हैदराबाद से वापसी में जो है मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो थी और थका हुआ बहुत था, रात को लेट नाइट हो गए थे, तो मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। तो आज कराची पहुँचे रात को, और सुबह उठ के वही दोबारा अपने काम पे। तो मैंने सोचा कि चलें कम से कम बता दें इतना अपने व्यूअर्स को कि हम फाइनली कराची पहुंच चुके हैं, और
अपने काम को दोबारा आ गए और कल बहुत थक गए थे। तो इसी के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज़।